नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में एक ऐड चलेगा, उसमें आपको जो एप्लीकेशन दिया गया है उसे अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको पर डे 25 रुपये की इनकम होगी। अधिक जानकारी उस ऐड में आपको मिल जाएगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज आपको यहाँ पर दी जाएगी। नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, सैलरी कितनी रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ऑनलाइन किस आवेदन किस प्रकार से करना है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, सभी जानकारी दी मिलेगी। बस अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी यूट्यूब चैनल होने के साथ साथ हमारी एक वेबसाइट भी जिसका नाम है GourNews24। GourNews24 आप लिखकर गूगल पर जैसे सर्च करेंगे हमारी पहली वेबसाइट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। बारे में बताना चाहता हूं जिसमें आपको हर डे इनकम यहां पर मिलने वाली और इंस्टेंट बीट डाल यहां पर मिल सकता है, जिसमें मिनिमम बीट डाल 108 लगा सकते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एलडीएस की, एलडीएस में ज्वाइन होने के लिए आपको हमारी लिंक से साइन अप करना पड़ेगा, जिससे आपको साइन अप बोनस 108 रुपये मिलेगा। टोटल प्रोसेस करने के बाद टोटल 208 रुपये जो कि आप इंस्टेंट बीट डाल सकते हैं 24 घंटे के अंदर आपके बैंक खाते में जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी डेली इनकम जो होती है, हमने जो रिचार्ज करके रखा है वो 500 करके रखा है, 400 वाला रिचार्ज करके। अब आप बोलेंगे कैसे क्रश कर लें, इसमें रिचार्ज कर लें, तो आपको इसमें 500 रिचार्ज करके क्रश करना है, उसके बाद आपको इसमें बड़ा रिचार्ज करना, पहले आप छोटा रिचार्ज करिए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पैसे कमाने लगे आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हमने बिडा लगा, जैसे हमने आज बिडा लगाए 21 तारीख को यहाँ पर बिडा लगाएंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पर सक्सेसफुल आ रहा है। हमें आपको अपने यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक में पैसे आए, ठीक है, पैसे हमारे बैंक में यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि रियल कोई फेयर यहाँ पर नहीं। दोस्तों 500 से ज्वाइनिंग करते हैं तो 25 रुपये पर आपको मिलेगा, जो कि 40 दिन तक मिलेगा, टोटल 1000 रुपये यहाँ पर मिलेगा। टीम कमीशन भी रहता है दोस्तों, और इसमें आपको रेफर बोनस मिलेगा, एक दिन में अगर आप 3 व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो 200-250 रुपये आपको बोनस मिलेगा। उसके बाद अगर आपकी टीम का साइज 30 हो जाता है तो आपको 2000 रुपये हर मंथ की 20 तारीख को मिलेगा। इसमें अगर ज्यादा लोग मिलता है, मैंने आपको 500 रुपये का बताया है रिचार्ज प्लान, तो आप इसमें अगर रिचार्ज प्लान करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाए, हमें पर्सनल मैसेज कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आई, समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। इस ऐप को एक बार यूज करके जरूर देखिए, आपको डेली इनकम होगी। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारी वेबसाइट को फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर आपको फॉलो का बटन दिख जाएगा, इसे जरूर फॉलो कीजिएगा नवीनतम अपडेट पाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में 108 पदों पर भर्ती निकली है, तो चलिए जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS में 108 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार को अपना ऑफलाइन आवेदन जमा करना होगा। इस भर्ती का नोटिफिकेशन 4 से 10 मई के रोजगार समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, उम्मीदवार आवेदन अपना कर सकते हैं। भर्ती का पद कौन सा है, डिप्टी डायरेक्टर। आवेदन शुरू होने की तारीख 10 अप्रैल 2024 और लास्ट तारीख 10 जून 2024। आवेदन शुल्क जो है वो 500 रुपये रखा गया है। ST SEWS और जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को अलग अलग इसमें छूट फीस में दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 108 है। चिन्हित कौन कौन से पद है, ज्वाइंट डायरेक्टर के 9 पद है, डिप्टी डायरेक्टर के 6 पद है, असिस्टेंट डायरेक्टर के 46 पद है, सीनियर एविएशन सिक्योरिटी ऑफिसर के 47 पद है। दोस्तों इसमें आयु सीमा की बात करें तो ज्वाइंट डायरेक्टर के लिए 56 साल रखी गई है, डिप्टी डायरेक्टर के लिए 56 साल, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 52 साल और सीनियर सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 56 साल। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता किसी भी उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो इसमें आप जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट जो सेम डॉक्यूमेंट आप क्वालिफिकेशन जो पोस्ट में रही थी उसके डॉक्यूमेंट प्लस अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सिग्नेचर, आय प्रमाण पत्र, फोटो, पासबुक, बैंक के पासबुक, सभी। सैलरी की बात करें क्योंकि सभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैलरी रहती है दोस्तों, तो इसमें आपको सैलरी ज्वाइंट डायरेक्टर में आपको 12 लेवल की सैलरी मिलने वाली है, डिप्टी डायरेक्टर में 11 लेवल की सैलरी मिलने वाली है, असिस्टेंट डायरेक्टर में 10 लेवल की सैलरी मिलने वाली है और सीनियर सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑफिसर लेवल में 7 लेवल की आपको जो है वो सैलरी मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब आवेदन आपको ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन आवेदन आपको कहाँ मिलेगा वो भी हम बताएंगे। उससे पहले आपको ऑफलाइन आवेदन भेजना कहाँ है, डिप्टी डायरेक्टर प्रेस ब्यूरो सिविल एविएशन सिक्योरिटी रूम नंबर S05 सेकेंड फ्लोर ए ब्लॉक उड़ान भवन सफदरगंज एयरपोर्ट नई दिल्ली 11003 में आपको भेजना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, कुछ देर आपको वेट कर लेना, आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा। अब आवेदन फॉर्म की बात करें तो नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट में आपको आवेदन फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों, इसमें आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। आवेदन फॉर्म यहाँ पर जैसे आप लास्ट में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर अभी लोड ले रहा है, कुछ देर वेट कर लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, आपको जो जानकारी चाहिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी।
ठीक है, जो भी आपको जानकारी चाहिए वो सभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आपको प्रिंट निकाल लेना है, 5 से लेकर मतलब टोटल 4 पेज का इसका प्रिंट फॉर्म है। इसको निकाल कर इसको सही तरीके से फिल कर देना है, सभी डॉक्यूमेंट इसमें लगा देना है, और जो एड्रेस बताया गया है उस एड्रेस पर आपको भेज देना है। 10 जून से पहले पहले आपका पोस्ट वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। वेबसाइट को ज़रूर फॉलो करिए, चैनल बनाना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।